सबसे बड़ी बात है। दीदी दूध आ देगा? 11 बंदी में हो रही है आरती। क्या करके आए तुम? कर गए ये पता है क्या कर रहा था? सारे खिलौने नीचे फेंक रहा था और ये दूसरी बार इसके खिलौने सारे उठा के रखे। देखो नहीं, लड़के ऐसे क्यों करते हैं? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग धानुक ऑफिशियल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, है पूरा व्लॉग जरूर देखें। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, 11 बज रहे हैं। सुनो छोटो ना बेटा, 11 बज रहे हैं और इनको नहलाना है। इनके पापा का कुछ खो गया है, कुछ जरूरी कागज साथ वो खो गए हैं, ढूंढने आ रहे हैं और हम यहाँ मस्ती कर रहे हैं। इनको मैं दबा, बहुत बहुत बदमाश हो रहा है बहुत। अभी आपने देखा ना कैसे खिलौने फेंक रहा था, सब बेड पे से सारे खिलौने नीचे पड़े। सुना हटो ना। और बस आज है संडे और इनका एकदम अलग, मतलब आजकल इनको पता नहीं कैसे वीकेंड पता चल जाता है। मेरे तो 6-7 सालों से मुझे संडे ही नहीं। हालत ऐसी है, सर्दी अब शुरू हो गई, बहुत ज्यादा सर्दी है। यहाँ चल रही है बहुत ठंडी ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है। ठंडी हवा इसलिए है क्योंकि पता नहीं सर्दी एकदम से बढ़ गई है। पर मैं छत्तीसगढ़ में जब से आई हूँ इतनी सर्दी नहीं पड़ी है। फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि December 1st की सर्दी। स्वेटर इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मैं घर के अंदर हूँ, बेडरूम में हमारी इतनी ठंड नहीं है, इस वजह से स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है। आज सुबह ना उसने कंबल को सूसू कर दिया, कंबल धुल के मैंने यहाँ डाल दिए हैं। कपड़े मेरे यहाँ सूख रहे हैं और कुछ कपड़े भी वॉशिंग मशीन में पेंडिंग है। मेरा बच्चा सो रहा है। The next day. Oh, hey guys, कल का व्लॉग अधूरा रह गया था। एक्चुअली बहुत आवाज आ रही है कि बाहर में हो रही है आरती। कल का व्लॉग अधूरा रह गया था काफी, मतलब मैं शूट ही नहीं कर पाई, नहीं मिला दूसरा क्या है, शूट ही नहीं कर पाई तो इस वजह से। बस आज व्रत है मेरा, मंडे है और मेरा तीसरा मंडे है। बस प्रसाद वगैरह खा के, प्रसाद गाय को देना है, वो इस बार देने जाएंगे रुद्रांश के। और मैं तो अभी बर्तन वर्तन क्लीन करने जा रही हूँ, पानी चला गया था तो वही पानी की वेट कर रही थी मैं। पानी आ गया है तो बर्तन वर्तन क्लीन करूंगी। तो बस मेरे व्रत स्टार्ट हो गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मंडे ऐसे जाता है ना, पूरे लोगों को संडे को आराम होता है, मुझे मंडे को आराम होता है। तो ऐसे जा रहे हैं व्रत और कंबाइंड 2-3 दिन का व्लॉग आएगा क्योंकि कुछ कुछ समय के चलते नहीं हो पा रहे हैं। बाकी बने रहिए मेरे व्लॉग में। भाई पता है दीदी दूध आ देगा? बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। सबसे बड़ी बात
डिलीवरी से प्रेगनेंसी से पहले पहनती थी, तो मुझे आ गया। मतलब बहुत खुशी होती है जब आपके पुराने कपड़े आपको वापस आ जाते हैं। कुछ साल तो नहीं होगी, 2-3 साल बाद खुशी होती है। मैं इसको पहले बहुत पहनती थी, कॉटन पहन बहुत कंफर्टेबल, तो हम आज मैंने इसको पहना है, ट्राई कर रही थी मैं, कराते मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज रुद्रांश उठा है सुबह 6 बजे, 6 बजे उठा ही था, अपने पापा के संगे वॉक पे गए, वॉक रनिंग जो भी, फिर पापा के संगे गए, वहाँ से आकर अभी सो गया है, अब फिर सोया। तो अभी के कितने बज रहे हैं? 10:15, सुबह के 10:15 हो रहे हैं और ये 10 बजे से सो गए हैं, अब उठे का 12 बजे, तब तक कुछ खाने के लिए बना लेना है, मेरे मैं भी इसके लिए हूँ और इनके लिए भी, तो इनकी टाइमिंग के हिसाब से सब काम करने पड़ते हैं, इनको क्या करें, इतना तो कोई टाइम नहीं रहा उनका होता है। सुबह के टाइम ही नहीं था, दूध लेने गई थी, दूध आया नहीं था, 1 घंटे लेट था, मैं सोची मैं खुद ही ले आती हूँ, देखा तो आ गया, तब तक लेकर ही आ रही थी, गार्ड दी थी लेकर ही आ रही थी, तो मैंने मना कर दिया नहीं लेकर जा, चलो कुछ बना। तो हे गाइस, पता है कैसा हो गया है कि आजकल ना मन ही नहीं लगता है व्लॉग वगैरह बनाने में, पता नहीं मन लगता है लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और आराम, थोड़ा सा और आराम, मतलब कभी कभी होता है ना बॉडी खुद से ही एक्टिव होना बंद हो जाती है, तो उस हिसाब से ही काम कर रही हूँ मैं। और रुद्रांश का ज़्यादा दिमाग में रहता है कि बस उसको देखना है, उसको पैम्पर करना है, उसके लिए सारी चीज़ें करनी है, मतलब सिर्फ वही 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 और वही दिमाग में घूमता रहता है सच में। मतलब अब बच्चा जब हो जाता है ना तो सब कुछ साइड पे और बच्चा हमारा केवल अकेला हमारे लिए काफ़ी हो जाता है, ऐसा हो जाती है चीज़ें। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मेड़ा, दोपहर का टाइम पे दूध नहीं आया था, दूध लेने गई थी, तो वही मैं दूध साइड पे गर्म कर रही हूँ और मेड़ा बना रही हूँ। इसमें नमक और तेल डाल के मैंने अच्छे से उसको पानी से धीरे धीरे पानी डाल के आपको छोटी छोटी गोलियाँ बनानी है, आइडिया लग ही जाता है। हमारे यहाँ मेड़ा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या क्या बोलते होंगे। फिर बेसन को ना तेल में फ्राई करना है, उसके बाद उसकी सब्ज़ी निकालनी है और तेल में 10 मिनट तो फ्राई करना ही है ताकि वो मुँह में ना आए आटे की तरह। और बस यही चल रहा है, मेड़ा मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। या मैं साइड पे बना रही हूँ खिचड़ी रुद्रांश के लिए, उसके लिए हरी मिर्चा और लाल मिर्चा के अलावा सब कुछ डालती हूँ खिचड़ी में, और जब घी डालने की बारी आती है तो मैं उसको जब खिलाते टाइम घी डालती हूँ, क्योंकि मैं घी नहीं खाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने लिए खाना नहीं निकालती हूँ, रुद्रांश का ही खाना खाती हूँ, तो इसलिए मैं सादा ही खिचड़ी छौंकती हूँ बिना तेल का। अभी तक उसको तेल लगभग 1% या 2% दिया है, तो इतना मतलब रुद्रांश के इर्द गिर्द ही मेरी दुनिया अभी घूम रही है। पता नहीं होता है ऐसा है। शायद मतलब सभी के साथ होता है, सारी मदर्स के साथ ही, मैं अकेली नहीं हूँ दुनिया में। तो आटा वाटा अभी साथ में गूंद रही हूँ मैं, सब कुछ कर रही हूँ और रुद्रांश सो रहा है, तब तक मैं सारा काम निपटा रही। आज वो जल्दी सो गया था एक्चुअली, सुबह में 10:15 पे मैंने आपको बताया, वैसे 6 बजे उठा था ना इस वजह से। तो मैं दोपहर का लंच अभी रेडी कर रही हूँ, मैं सबसे एक ही टाइम बनाती हूँ क्योंकि बाद में ना उसको भी टाइम देना ज़रूरी है, किसी को कुछ भी लगे मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो नहीं पड़ता है, पहले ऐसा लगता कि अरे दोनों टाइम बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे उसे टाइम देना बहुत ज़रूरी है अभी। और अभी उसका समय ऐसा है कि वो हम दोनों को ही चाहता है, मतलब उसके पापा मम्मी उसे केवल टाइम दें, उसे और कुछ नहीं चाहिए। रुद्रांश का खाना दोनों टाइम फ्रेश ही बनता है, हमारा ये जो सब्जी बच जाती है तो शाम को खा लेते हैं, नहीं तो हमारा भी कभी कभी बन ही जाता है, रोटी या सब्जी या चावल जो भी है, बाकी ये सब चलता रहता है। अब सब चीज़ सेकेंडरी है, रुद्रांश प्राइमरी है सबसे पहले, मेरे लिए भी इनके लिए भी। और मतलब पहले ऐसा था समय दिन निकलते ऐसा लगता था साल बीत रहा है, महीना निकलता था, तो अब ऐसा लग रहा है कि यार मतलब एक हफ्ता एक दिन के बराबर लग रहा है, समय कम पड़ रहा है हर चीज़ के लिए जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि शायद हमें और एफर्ट करनी चाहिए पर नहीं हो पाते हैं, ठीक है क्या कर सकते हैं, जो भी है अच्छा है। यहाँ मैंने छौंक दिया है, इसको मेड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने बनाने के लिए रख दिया है। अब मैं रोटी बनाऊँगी और फटाफट काम करूँगा, तो बर्तन मेरे पड़े हैं, बर्तन भी खींचना है, तो
ये हमारे राजकुमार उठ गए। नहीं 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 निकल गए। आज थोड़े दादा कपड़े पहने हैं, थोड़ी दादा ठंडी लग गई है। मेरे यहाँ बर्तन लगभग लगभग धुल ही गए थे तब तक ये उठ गए। अब मुझे बस थोड़े बर्तन है वो क्लीन करने हैं, उसके बाद उन्हें खाना खिलाना है। मेरा बन के रेडी है ना, सब चीज़ बन गया है खाना खिला के। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।